हेलो। पंडाल में आने वाले तमाम हक परस्त काफलों को इस जश्न के मौके पर खुश आमदीद कहते हैं। जो दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं पंडाल में, उनसे गुजारिश है कि वो तेज कदमी के साथ पंडाल में तशरीफ ले आए। पंडाल ये जिना ग्राउंड तकरीबन भर चुका है। आपकी हमदन गोश समातें इस नारे के जवाब से बताएंगी कि आपका जज्बा भी भरा है या नहीं भरा। नारे मुत्तहिदा, अरे नारे महाजन। तेज कदमों के साथ पंडाल में तशरीफ ले आए। जो बाएं जानेब दाखिली रास्ते से काफले आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल में सामने की जानेब तशरीफ ले आए और दाखिली रास्ते को आसान करें ताकि और भी काफले इस वक्त पंडाल में तशरीफ ला सकें। मेरी एक बार फिर से गुजारिश उन तमाम हक परस्त काफलों से जो लियाकत अली खान चौक से जिना ग्राउंड के दरवाजे तक रुके हुए हैं, वो तेज कदमों के साथ जिना ग्राउंड में तशरीफ ले आए। अब से कुछ ही लम्हों बाद आज के इस जश्न का बाकायदा आगाज हुआ चाहता है। कुछ ही लम्हों में हमारी कयादत स्टेज पे जलवा अफरोज होगी और कुछ ही लम्हों में आज मुल्के पाकिस्तान के मशहूर मारूफ फनकार अपने जौहर दिखाएंगे। मेरी गुजारिश अरकीने राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। मेरी गुजारिश अरकीने राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। तो कट जाए जुबां, होठ हिलाते रहना, अपने होने का एहसास दिलाते रहना। मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, तो मेरी आवाज से आवाज मिलाते रहना। नारे मुत्तहिदा, नारे महाजन। मेरी गुजारिश अरकीने राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहिदा। ये आवाज अभी लियाकत अली खान चौक तक पहुंची है। नारे मुत्तहिदा, ये आवाज अभी गुलशन तक पहुंची है। नारे मुत्तहिदा, ये आवाज अभी गवर्नर हाउस तक पहुंची है। नारे मुत्तहिदा, ये आवाज अभी वजीर आला तक पहुंचनी है। नारे मुत्तहिदा, नारे 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 मुत्तहिदा, नारे 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 महाजे। दाखिली रास्ते पर ये जितने भी आवाम आ रही है, इनसे गुजारिश है कि दाएं जानिब आ जाएं, स्टेज के दाएं जानिब तशरीफ ले आएं। ये हमारा कल्चर है कि हम अपनी फैमिलीज का कितना एहतराम करते हैं, और इसकी गवाही ये है कि आज के इस पंडाल में मुझ समेत हम सब की फैमिलीज यहाँ मौजूद है।
गुजारिश है कुरान करीम की तिलावत के लिए इस अचार के साथ कि तमाम हम्द है उस खालिक अजल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों ने भी समल के लिए। कारी यूनुस साहब से गुजारिश है कि वो आए और आके कुरान करीम की तिलावत से हमारे मुल्क को मुनव्वर फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير کہہ دیجئے کہ اے اللہ اے اقتدار کے مالک تو جس کو چاہتا ہے اقتدار عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے تمام تر بھلائی تمام تر خیر اور بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تو ہی بے جان چیز میں سے جاندار چیز کو برآمد کر لیتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکال کر لاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ رب العزت سے کوئی تعلق نہیں مگر یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت اور بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے بچاتا ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ یہ تھے قاری یونس صاحب جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے آج جشن کا موقع ہے اور ملک پاکستان کے مشہور و معروف اداکار فنکار ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور ملک پاکستان کی تاریخ کی انشاءاللہ سب سے بڑی آتش بازی کا مظاہرہ ہم آج اس عزیز آباد کے جنہ گراؤنڈ سے کریں گے بلا تاخیر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش کروں گا الحاج ناصر یامین بھائی سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ نبی نا
सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीयेना सल्ले अला मुहम्मदिन بلغ الأولى بكماله بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع صالح صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله تیرے ذکر خیر کی برکت میرے بگڑے کام سنور گئے تیرے ذکر خیر کی برکت میرے بگڑے کام سنور گئے جہاں دل سے نام تیرا لیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے بلاغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلاغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ اور میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا سب کی لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلاغ الاولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ
कराची वालों, ये जश्न का मौका है, फिर इस जश्न में इस्तकबाल करो। इस स्टेज पर सीनियर डिप्टी कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई, सैयद मुस्तफा कमाल भाई और कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई। ऐसे नहीं कराची वालों, जिस तरह 8 फरवरी को तुमने कमाल किया था, आज दोबारा कमाल करो और इस्तकबाल करो अपनी लीडर।
शाबा लहराते रहे अपनी मोबाइल की टॉर्च रोशन करें, मोबाइल की टॉर्च रोशन करें, शाबाश शाबाश मोबाइल की टॉर्च रोशन करें। मैं साफी हजरात को बुला रहा हूँ, पुरजोश अंदाज में साफी हजरात का इस्तकबाल करें, तराना बजाए शाबाश। मिलना शुरू हुआ, तीन सूबाई असेंबली की सीटें मिली हमें अल्लाह के फजल व करम से, और फिर उसके बाद एक अवामी गवर्नर एमक्यूएम पाकिस्तान ने दिया, और 7 फरवरी को एक तालीमी दरसगाह, अरे हमारे आबाओ अजदाद कि तहरीक आजादी का सफर भी एक तालीमी दरसगाह से शुरू हुआ था, जामिया अलीगढ़ से शुरू हुआ था। ये जामिया अलीगढ़ के वारिस ही गवर्नर हाउस में एक जामिया कराची और आईटी की एक बेहतरीन जामिया बना सकते हैं। 50,000 तलबा और तालिबात, 10 लाख रुपए का कोर्स फ्री एडवांस आईटी का जब एक साल में करेंगे तो इंशाल्लाह 10-10 लाख की नौकरियां उनकी मुंतजर होगी। फिर उसके बाद हल्का बंदियों का चैलेंज कबूल किया, हल्के बेहतर कराए, और 8 फरवरी को हक परस्त वोटर्स, एमक्यूएम के वोटर्स, और आज इस ग्राउंड में जमा होने वाले मेरी बहनें मेरी बेटियां, ये शायद 8 साल पहले भी अगर इस तरह का कोई इज्तम होता था तो उसमें उससे ये बड़ा इज्तम है, उससे यहां ज्यादा लोग हैं, इसलिए कि इस मरतबा इस जद्दोजहद में मिडिल क्लास, एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखा कराची हैदराबाद और सिंध के शहरों से ताल्लुक रखने वाला, जो आज दीवार से लगा हुआ है फूड पांडा और बाइकिया में नौकरी कर रहा है, आज वो अकेला नहीं, उसके साथ इस पिंडाल में, इस ग्राउंड में और पूरे इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पख्तून भाई भी हमारे साथ खड़े हुए, सिंधी बलोच सराइकी हजारेवाल कश्मीरी गिलगिती, और इन सब के साथ साथ अल्लाह के फजल व करम से मेरे बंगाली भाई भी अब एमक्यूएम की जद्दोजहद में शाना बशाना आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। मैं तमाम कराची में खास तौर पर पाकिस्तान के हर इलाके से ताल्लुक रखने वाले जो यहां बसते हैं, जो मुख्तलिफ जबाने बोलते हैं, जिन्होंने कराची को ओन किया, और हमारा नारा भी आज यही है जब हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, अल्लाह के आगे सर्वसजूद हैं, शुक्राने अदा कर रहे हैं कि आज उसने हमें इस काबिल किया, ये मौका दिया कि हम एमक्यूएम की पाकिस्तान बनाने वालों की और उनकी सबसे बड़ी आबादी वाले शहर की अजमत को बहाल करे, एक एक शहरी की इज्जत नफ्स को बहाल करे, एक एक शहरी को, कराची को भी, कराची के शहरियों को भी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के 25 करोड़ मजलूम महरूम महकूम आवाम को हर तरह की गुलामी और हर तरह की मोहताजी से निजात दिलाए। ये आज का ये ठाटे मारता हुआ समंदर, यहाँ फनकार हैं, जाहिर है मेरे बाद मुस्तफा कमाल।
ये एक आजमाइश तो मुकम्मल हुई आज जो मेरे आपके मुखालिफ और हम एक तहरीक शुरू करने वाले हैं, हम एक तहरीक शुरू करने वाले हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के हमारे बच्चों का, उनकी तालीम का, उनकी मेरिट का कत्ल हुआ है, उनके मुस्तकबिल को तारीख किया गया है। राबता कमेटी ने, खालिद भाई ने, मुस्तफा भाई ने, हमने इस पर मजम्मत भी की है, एहतजाज भी किया है। लेकिन बेटा जिस तरह तुम्हें कराची से फारिग किया, तुम्हारी बाकियात को इंशाल्लाह बहुत जल्द मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड से भी तुम्हारी बाकियात को फारिग करेंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। मैंने कहा था एमक्यूएम दुल्हन बनकर वापस आ गई है कराची में। 21 जनवरी को निकाह था, 8 फरवरी को वलीमा था, और आज चौथी की रस्म है, फनकार भी आए हुए हैं। आज चौथी की रस्म है, फनकार भी आए हुए हैं, और एक शोर बरपा है। मायूसी बहुत पीछे रह गई है, उम्मीद का सफर शुरू हो गया, तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो गया, पाकिस्तान की बका और सलामती का सफर शुरू हो गया। जिना ग्राउंड में इसका ऐद किया है, इसका पास करेंगे। लोगों की मोहब्बत, उनका वोट, उनकी दुआएं, उसका पास करेंगे, उसका हक अदा करेंगे, उनके मसाइल इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। आखिरी शेर, अब ये शेर थोड़ा चेंज हुआ है कि कुछ देर की खामोशी है, अब है नहीं। अब कुछ देर की खामोशी थी, कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, लो शोर आ गया। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आया था, हमारा दौर आ गया, कराची वालों का दौर आ गया। पाकिस्तान, एमक्यूएम, जिना ग्राउंड, बहुत शुक्रिया। कब शोहरत और नाम कमाने आया हूँ, मैं तो मजलूमों को हक दिलाने आया हूँ। शौक नहीं है ऐवानों में जाने का, अरे शहरे कायद को उसका हक दिलवाने आया हूँ। अब तक सबने ख्वाब दिखाए लोगों को, मैं उनकी ताबीर दिलाने आया हूँ। तो ऐ जिना ग्राउंड में मौजूद जिना के बेटों, कोई पूछे तो कह देना कमाल आया था। इस्तकबाल कीजिए सीनियर डिप्टी कन्वीनियर सैयद मुस्तफा कमाल भाई। मिलाकर चलना है, कौम ज़बान का फर्क मिटाना है, हाथों से हाथ कदमों से कदम को मिलाकर चलना है, ये रंग नस्ल और कौम ज़बान का फर्क मिटाना है। जो फैसला करके निकले हैं उस पर समझौता ना होगा, सर कट जाए तो कट जाए, ईमान का सौदा ना होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब इशरहली सदरी व यस्सरली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। कराची वालों, तमाम कराची वालों, थैंक यू कराची वालों, तमाम मेरी माँ, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, स्टेज पे मौजूद
कन्वीनर, राबता कमेटी के जिम्मेदारान और हद निगाह लोग ही लोग और जहां जहां मेरी आवाज इन कैमरों के जरिए जा रही है सबको अस्सलाम वालेकुम। कराची वालों चंद मिनट दो मुझे, सारे झंडे नीचे कर लो, सब झंडे नीचे करो, चंद मिनट दो मुझे और खामोशी अख्तियार कर लो चंद मिनट की, फिर वही अभी बहुत शोर होना है, चंद मिनट दो, सारे झंडे नीचे कर लो, सारे सब बच्चों से ले लो झंडे, ले लो सारे, चंद मिनट दो मुझे बस, सिर्फ चंद, सब झंडे नीचे करो सारे सब झंडे नीचे लपेट लो, अंदर सब लपेटो, झंडे लपेटो। ये लाल स्कार्फ वाली आंटी जो खड़ी है आप भी झंडे नीचे कर लें, आप ओ अल्लाह ताला, आज हम जिस जिना ग्राउंड में खड़े हैं इस जिना ग्राउंड से 8 साल पहले मुहाजरों के नाम पर, मेरी कौम के नाम पर जो कुछ कहा किया जाता था, मेरी पूरी कौम को उसका हिसाब देना पड़ता था, पूरी कौम को, नौजवानों को उसके लिए पाबंदे सलासल होना पड़ता था, लापता होना पड़ता था। आज ये वही जिना ग्राउंड है, आज का ये तारीखी मंजर, ये वक्त, ये दिन, ये साल आइंदा आने वाली नस्लों तक ये दिन याद रखा जाएगा कि हां एक जहद थी, एक आग और खून का दरिया समंदर पार करके हम आज उसी जिना ग्राउंड में पहुंचे हैं जहां से पाकिस्तान की बात हो रही है, जहां से पाकिस्तान वालों की बात हो रही है, जहां की तकरीर सुन के जाने के बाद लड़का अपने घर से भागेगा नहीं, लापता नहीं होगा, मरकर शोदा कब्रिस्तान नहीं जाएगा, जहां की बात यहां से की जाने वाली बात के बाद इस शहर, इस मुल्क में इंसान इंसान का दोस्त बनेगा, इंसान इंसान की कदर करेगा, किसी के मारने मरने की बात नहीं होगी, किसी दुश्मन मुल्क को आवाज लगाने की बात नहीं होगी, अपने मसाइल अपने मुल्क के जिम्मेदारों को आवाज लगाकर शिकायत भी करेंगे, गिले भी करेंगे, जुद्दोजहद भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन मुल्क के खिलाफ वो मुल्क जिसको मेरे आबाव अजदाद ने 20 लाख जानों का नजराना पेश करके बनाया था, आज ये नस्ल उसने साबित कर दिया कि ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद है, हम पाकिस्तान बचाने वाली ये नस्ल बन गई है, पाकिस्तान बचाने वाली ये नस्ल बन गई है, हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाया था, हमने पाकिस्तान बचाया है, ये शहर दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है, ये शहर दुश्मन के कब्जे से छुड़ाया है। मेरे नौजवानों, मेरी मां बहनों, बुजुर्गों, पूरा पाकिस्तान ताने देता था कि ये शहर, ये मैंडेट, ये सब कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान वालों का नहीं है, एक हेलो की आवाज आएगी सब कुछ छिन जाएगा, ये बता दिया कराची वालों ने, बता दिया कराची वालों ने, आज 10 फरवरी को बता दिया कराची वालों ने कि कराची कल भी एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ था और
फैसला भी इंशाअल्लाह ताला एमकेएम पाकिस्तान के साथ रहेगा। आज सारे ताने देने वालों, आज एमकेएम दोबारा अपनी जो छीनी हुई झूठी हमसे गबन करके मैंडेट ताकत लेकर इस शहर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे थे, आज कराची हैदराबाद के लोगों ने उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। अब ये मैंडेट, ये लोग, ये सब कराची, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा एमकेएम के झंडे के नीचे आएगा इंशाअल्लाह ताला। कराची वालों, मैं आज बात करना चाहता हूं, मेरी मीट कि मेरी ये बात लंदन तक पहुंचाएं। मैं आज जब जिना ग्राउंड आ रहा क्या कहूं, क्योंकि ऐ साथियों, बहुत जख्म से हैं हमारे, हमारी औरतों को आजाद बकी गई हैं। हमने इस कौम के लिए अपने दुश्मन हमने 700 से जायद मौज और नौजवानों को कराया, हमने उन्हें लापता नहीं कराया था, हमने उन्हें लापता नहीं कराया था, हमने आकर उनका मुकदमा लड़ा, एक के साथ भी तस्वीर नहीं खिंचवाई कि देखो मैं चैंपियन हूं, ये एमकेएम चैंपियन है, ये देखो मुहाजिर माओ को उनके बच्चे लाकर दे रही है, एक दो तीन नहीं 700 से जायद माओ को उनके बच्चे लाकर दिए। आज आज हजारों नौजवान जो अपने घर पर नहीं सो सकता था, आज अपने घरों पर सोता है, अपने वालदेन की खिदमत करता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। 8 से 8 साल पहले ये मंजर नहीं था, 8 साल पहले ये हालात नहीं थे, रोजाना शोधा ये शोधा ये जिना ग्राउंड, के बड़े बड़े सीनियर जिम्मेदारों की नमाज जनाजा पढ़ने की जगह बन गई थी। आज आज मेरा दिल बहुत दुखा हुआ था, मैंने सोचा था कि मैं आओ मेरे कारकुनों, मेरे तमाम जिम्मेदारों को कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क्यादत में आज हमें फतह दे दी है, आज हमें फतह याब कर लिया है, तो मैं हिसाब लेना चाहता था, लेकिन रब ने दिमाग में एक बात डाली, रब ने दिमाग में एक बात डाली कि दुनिया के सबसे बड़े इंसान, दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको अल्लाह ताला ने फतह दी तो मेरे दिमाग में रब ने बात डाली, उन्होंने क्या किया, उनके उनको अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी फतह मक्का फतह करवाया, तो खातमुन नबीयीन रहमतुल्लिल आलमीन ने सरवर-ए-कौनैन आकाए दो जहां
हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया मक्के वालों के साथ, वो जिन्होंने उनको जख्म दिए, उनको अपने घर से निकाला, उनको ताने दिए, उनके साथियों को शहीद किया। जब अल्लाह ताला ने उनको सबसे बड़ी फतह दी, उन्होंने क्या किया, रब ने मेरे दिमाग में यह बात डाली, जब की था रब ने मेरे दिमाग में यह बात डाली, मेरे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फतह किया, जब मक्का फतह किया तो सारे दुश्मनों को, सारे दुख देने वालों को, मैं उस हबीब का गुलाम हूं, मैं गुनाहगार आदमी हूं, आज मैं आका दो जहां वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए आज मैं भी दिल से अल्ताफ हुसैन को माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं अल्ताफ हुसैन को। यहां से कह रहा हूं मैं माफ करता हूं अल्ताफ हुसैन को, माफ करता हूं, मैं माफ करता हूं साहब, कोई गिला नहीं है। रब ने मुझे फतह, मेरे साथियों को, मेरे साथ वालों को इस एमकेएम को फतह दे दी, मैं दिल से माफ करता हूं। और सिर्फ यह नहीं, मैं चाहता हूं, झंडे लपेटो, नीचे करो, मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं कि उनका खात्मा ईमान पर हो। मैं चाहता हूं अल्ताफ हुसैन साहब लिए गालियां बकने वाला आपकी कब्र में जाकर नहीं ले, तक सांसें चल रही हैं, तौबा करने का दरवाजा खुला हुआ है, नहीं लेटेगा कब्र में, गनीमत समझिए। मैं आज भी ये कोई आपके वफादार नहीं है, हमने टाइम गुजारा आपके साथ, मैं आपको दावत देता हूं यहां जिना ग्राउंड से खड़े होकर, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको आज दावत देता हूं, तौबा करिए और अपने आप को रुजू करिए अल्लाह ताला से, और अल्लाह से माफी मांगिए। इस कौम का बहुत नुकसान हो गया, ये भरमबाजी छोड़िए, कुछ काम नहीं आ रहा आपके, ये भरमबाजियां छोड़िए, ड्रामेबाजियां छोड़े, खुदा की कसम कुछ काम नहीं आ रहा, अल्लाह से माफी मांगे। डॉक्टर इमरान फारूक की बड़े हो रहे, जाकर उनसे माफी मांगिए, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल पर उनसे माफी, आपका खैर ख्वाहों का आपके कहता हूं कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, इसमें खुदा की कसम कुछ काम नहीं आएगा। मैं आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको रुजू करने का मौका दे, मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला जितनी जिंदगी रह गई है गोशा नशीनी इख्तियार कीजिए। खुदा की कसम इन चक्करों में गुजर गया टाइम, अल्लाह से लड़ाई मत करे, नेचर के फैसले को, डिवाइन एक्ट को कबूल कीजिए, डिवाइन एक्ट को कबूल कीजिए, कोई नहीं मिलेगा। खुदा की कसम आज आपके ये जो दो टके के पैसे लेकर आपसे वफादारी का, आपकी जी भाई का भरम करते, वो नहीं कर सकते ये बात। मैं वो आदमी हूं जिसने आपके पैरों को पकड़कर आपको रिहैब सेंटर दाखिल कराया था, कोई नहीं करता ये। आपकी शराब के नशे को का इलाज करने के लिए जिस वक्त एमकेएम में कोई बात नहीं कर सकता था, मैंने जाकर लंदन में, मैं मेयर था, मुझे कोई जरूरत नहीं थी, मैंने जाकर पैर पकड़े हैं आपके और आपको अस्पताल में दाखिल करवाया था, मैंने किसी को सुबह दोपहर शाम आप जिस पीपल्स पार्टी से हम
हासिल करना है, हुकूक हासिल करने हैं। उसी पीपल्स पार्टी के वजीरों को बैठकर आप ये बता रहे थे कि रॉ से आपके ताल्लुकात कैसे हैं, आपकी वाइफ के केस को, तलाक के केस को, जिसमें सब चीजें लिखी हुई हैं, आप पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीरों से हल करा रहे थे। ये कौम, इसकी कौन आबियारी करता, इसकी कौन, जिससे हमें हुकूक लेने हैं, उसी के पास मेरे लीडर के सारे सबूत और शवाहिद हैं। कहां से डरेगी पीपल्स पार्टी हमसे? इसलिए हमने यह रास्ता अख्तियार किया, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, आज अल्लाह ने हमें फतह दे दी है। और इस फतह के मौके पर मैं आज अपनी जात पर होने वाले सारे दुखों को मैं एक लम्हे के लिए आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए मैं माफ करता हूं, आपके लिए दुआए खैर करता हूं, मैं माफ करता हूं जो मेरे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों से कहा था कि जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, मैं उनका गुलाम वसल्लम की सुन्नत को आज जिंदा करता हूं, आपको माफ करता हूं, आपके लिए दुआए खैर करता हूं। अभी एक महीने के बाद का महीना आने वाला हो वाला है, अल्ताफ भाई छोड़ो सारी चीजें, जाके हुजूर के कदमों में जाकर चिपट जाओ, जाकर रमजान का पूरा महीना गुजारो मदीने में, जाकर माफी मांगो, रुजू करो, मेरा रब बहुत माफ करने वाला है। खुदा की कसम वो ये कहता है कि तुम ये मायूसी इस बात की कि पता नहीं रब माफ करेगा ना कि नहीं करेगा, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह ने ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कितने गुनाह करो कि जमीन से आसमान तक लग जाएं जो तुम कर नहीं सकते, अगर उसके बाद भी एक दफा दिल से माफी मांगोगे रब से, अल्लाह माफ करता है। अल्ताफ हुसैन साहब, जितनी जिंदगी रह गई है अल्लाह से माफी मांगते हुए गुजारे, मैं भी दुआ करूंगा, ये सब लोग दुआ करेंगे आपके, मैं चाहता हूं हमारी जन्नत में मुलाकात हो आपसे, मैं वहां लीडर बन जाना, आप हमारे वहां बन जाना लीडर, उधर इधर की बारी खत्म हो गई, अब इधर की बारी खत्म हो गई, उधर जन्नत में, हम चाहते हैं आपसे हमारी जन्नत में मुलाकात हो, हम चाहते हैं आपसे, हम चाहते हैं कि आप भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो, बख्श दो, ये लोगों को आजाद कर दो, लोग एक ही जान में लोग आजाद हो गए, ये बेचारे आज भी 2-4-10 लोग जो गुम, वो उनको पता नहीं है, मुझे शर्म आती है बात करते हुए। तो आज का दिन माफ करने का दिन है, ऐ साथियों आज का दिन माफ करने का दिन है, आज कामयाबी फतह दी अल्लाह ताला ने तुम्हें, आज का दिन माफ करने का दिन है। नंबर वन, अगली बात एमकेएम वालों, देखो अल्लाह ताला का मुआजजा देखो कि आज ये जो एमकेएम पाकिस्तान है, ये एमकेएम पाकिस्तान सिर्फ न्यू कराची की जमात नहीं है, सिर्फ अजीजाबाद लियाकताबाद की जमात नहीं है, आज तुम्हारी इस पार्टी का एक एमएनए जो कि सोराब गोट पर खड़ा हुआ था, पख्तून इकबाल महसूद, वो भी एमकेएम के झंडे के नीचे जीता है। मैं मुस्तफा कमाल, मेरा जो हलका है इत्तेहाद टाउन बनारस बल्दिया टाउन, मेरे हलके में 80% लोग गैर मुहाजिर हैं, मुझे हजारों की तादाद में गैर मुहाजिरों ने, मैं मुहाजिर हूं, मुझे हजारों की तादाद में गैर मुहाजिरों ने वोट देकर कामयाब किया है। ये आज की एमकेएम है। तो ऐ मुहाजिरों, हां मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, जैसे किसी अपने जिस तरह से किसी को अपने
पख्तून होने पे फख्र है, किसी को अपने बलोच होने पे फख्र है, किसी को अपने पंजाबी, किसी को अपने बलोच होने पे पख्तून सिंधी होने पे फख्र है, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन इस बिना पर मैं जालिम और मजलूम का फैसला नहीं करूंगा और नहीं करना चाहिए। एम क्यू एम के नजदीक हर वो जालिम जो कि जालिम है, चाहे वो उसकी जुबान कोई भी हो, वो जालिम होगा, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, और हर वो मजलूम जो कि मजलूम किसी भी जुबान का हो, हम उसके साथ खड़े होंगे। देखो अल्लाह कह रहा है कि सारे आलम की हुक्मरानी उसके पास है, वो जिसको चाहता है हुक्मरानी देता है, वो जिससे चाहता है हुक्मरानी छीनता है, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है रुस्वा कर देता है। जब सारी हुक्मरानी उसके पास है तो मैं सिर्फ कराची उससे क्यों मांगूं, मैं सिर्फ हैदराबाद की हुक्मरानी उससे क्यों मांगूं, मैं पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी चाहिए। ए रब मुझे पूरे पाकिस्तान की हुक्मरानी चाहिए, तू दिलों में डालने वाला है। बोलो 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 जिना ग्राउंड वालों, बोलो पाकिस्तान की हुक्मरानी चाहिए या नहीं चाहिए, अगला चाहिए नहीं चाहिए, जोर से बोलो चाहिए या नहीं चाहिए, एम क्यूम का वजीर आजम चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए, एम क्यूम का वजीर आजम चाहिए या नहीं चाहिए। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ये नारे सुनकर कि अभी शहर आया नहीं है, वजीर आजम की बात कर रहे हैं, ये तो इतने कमजोर हैं, दूसरे लोग 50-50 साल वाले बहुत ताकतवर हैं। उनको तुम्हारी तरफ से जवाब देता हूं, अरे दुनिया वालों, मैं कमजोर, मेरे लोग कमजोर, मेरा रब बहुत ताकतवर है, वो जिसको चाहेगा हुक्मरानी देगा, वो मैं कमजोर, मेरे लोग कमजोर, मेरा रब बहुत ताकतवर है, वो सारे फिरौनों को नेस्तो नाबूद कर सकता है, वो एक रात में चाहे पूरे दुनिया के हुक्मरान जालिम हुक्मरान फिरौनों को मार सकता है, वो एक दिन में चाहे पूरे पाकिस्तान पूरी पूरी कायनात के लोगों के दिलों में हमारी बात डाल सकता है। अरे इनके ये जो आज यहां है, हम नहीं क्लेम करते कि इनके भी दिलों में बात मैं डाल सकता हूं, एक आदमी नहीं ला सकता था, कोई एक आदमी नहीं ला सकता था यहां, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में बात डाली है, जब तुम्हारे दिलों में भी अल्लाह डालने वाला है तो मैं गिलगित बल्तिस्तान वालों के दिलों के लिए भी बात करूं, मैं पंजाब सिंध के लोगों के लिए भी बात करूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा बलोचों के दिलों के लिए भी बात करूं, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह से 8 सालों से हमें ताने दे रहे थे कि ये एम क्यू एम एक सीट नहीं ले सकती, आज साबित कर दिया, लोगों ने साबित कर दिया, रब ने फतह दे दी कि एम क्यू एम ने कराची हैदराबाद अपना खोया हुआ मैंडेट वापस ले लिया है। तो जैसे ये मैंडेट वापस लिया है, एक दिन पूरे पाकिस्तान का मैंडेट इंशाल्लाह एम क्यू एम लेगी। अल्लाह से बड़ा मांगो, अल्लाह से बड़ा मांगो, वो देने वाला है, उससे छोटी चीज मत मांगो, अपनी नियत अपने इरादे बड़े की रखो। अगर हम इस कराची की खिदमत कर सकते हैं, पूरे सिंध पूरे पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं, अगर कोई जालिम हुक्मरान बहुत ताकतवर होगा, मेरे रब से ज्यादा ताकतवर नहीं है, हम अपने से की कोशिश करें, रब उसको मारेगा इंशाअल्लाह ताला, मारेगा इंशाअल्लाह ताला। अब तीसरी बात एम क्यू एम के एम पी एम पी एस, एम क्यू एम के एम एन एस, एम क्यू एम के झंडे के नीचे एम एन एम पी ए बनने वालों, आपका बहुत एहतराम है, आपको रुस्वा नहीं करेंगे, आपको इज्जत देंगे, कारकुन भी इज्जत देंगे, वो हमारी शान है, हमारी इज्जत है, हम आपको इज्जत देंगे, इज्जत दिलवाएंगे। लेकिन एम क्यू एम के एम पी ए वो एम पी ए बनने वालों, एम क्यू एम के झंडे के नीचे एम एन ए बनने वालों, और आगे पता नहीं क्या क्या बनोगे, सारे ओहदे रखने वालों को आवाज लगा के कहता हूं, ये जीत कामयाबी नहीं है, ये जीत कामयाबी नहीं है, इम्तिहान है, हमें कामयाब होना है, ये जीत इम्तिहान है, हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। करबला के मैदान में
खानवादाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कटे हुए सरों को नेजों पे देखकर किसी ने अपनी जीत का जश्न मना लिया था। 1400 साल गुजर गए, सारे कटे हुए सर कामयाब हो गए, जन्नतों के सरदार बन गए, जश्न मनाने वाला नाकाम हो गया। आइंदा कयामत तक कटे हुए सारे कटे हुए सर कामयाब हो गए। तो हर जीतने वाला कामयाब नहीं है, हर हारने वाला नाकाम नहीं है। आपको जीत हुई है, आपको कामयाबी नहीं हुई है। कामयाबी क्या है एमक्यूएम के हक परस्त नुमाइंदो, एमक्यूएम के हक परस्त नुमाइंदो, कामयाबी ये है, कान खोल कर सुन लो, कि तुम्हें वोट देने वाला नहीं जिसने तुम्हें वोट नहीं दिया है, जो तुम्हारी पार्टी का दुश्मन है, मुखालिफ है। तुम ऐसे काम करो कि तुम्हारे दुश्मन के बच्चे तुम्हारे लिए हाथ उठा के दुआएं करें, वो कामयाबी है, वो कामयाबी है। अपने दुश्मनों से दुआएं लो। तुम अब एमक्यूएम के एमपी एमएनए नहीं हो, तुम पूरे इलाके के एमएनए एमपी हो। जिसने तुम्हें वोट दिया वो भी तुम्हारा है, जिसने तुम्हें वोट नहीं दिया वो भी तुम्हारा है। तुम सबके एमएनए एमपी हो। देखो बड़ी कुर्बानी दी है कारकुनों ने, देखो माओ बहनों ने भूखे प्यासे रहकर पोलिंग एजेंट बने हैं, दरवाजों पे गए हैं, लोगों की मिन्नतें की हैं। अब हमारे पास मौका नहीं है। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। फेल होना ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इस कौम के पास। अगर खुदा ना कास्ता अब हम नाकाम हुए तो सिर्फ हम सीटों से नहीं जाएंगे, मेरी आइंदा आने वाली 7 नस्लें हार जाएंगी, मेरी आइंदा आने वाली 7 नस्लों पर जुल्म होगा। तो फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, तुम्हारे कांधों पे जिम्मेदारी है। तुम जो कुछ कल तक थे भूल जाओ, आज से ये जिम्मेदारियां, ये जो लोगों के एतमाद का बोझ, अपने कांधों पर फील करो और सबकी दुआएं लो। अरे लोगों के साथ खड़े होने में तुम्हें कोई फंड नहीं चाहिए, हर बुरे वक्त में लोगों के साथ खड़े हो तुम्हें खुदा की कसम इसके लिए तो फंड नहीं चाहिए। लोग अगर तुम्हें अपने साथ देखेंगे, लोग तुम्हें कोशिश करते हुए देखेंगे, लोग मुतमईन हो जाएंगे। तुम जब कोशिश करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा, फंड का भी बंदोबस्त करेगा, और इस शहर को पाकिस्तान भर के लिए मॉडल बनाओ। पूरे पाकिस्तान को इस शहर को दिखाकर हम जाकर वोट मांगेंगे। आज इस इलेक्शन कैंपेन में हमारे खिलाफ जितने लोगों ने भी पर्सनल मेरे खिलाफ जो भी अटैक किए, मैं सबको दिल की गहराइयों से माफ करता हूं, सारी पार्टियों के लोगों को माफ करता हूं, सबको माफ करता हूं। आज का दिन फतह का दिन है, आज का दिन माफ करने का दिन है। इस शहर में अमन चाहिए। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरान भी एक दूसरे को माफ करें। लोगों को सुकून चाहिए, लोगों को अमन चाहिए, लोगों को मोहब्बत प्यार भाईचारगी चाहिए। हम किसको फतह कर रहे हैं? हाँ, जो जालिम है उसको जालिम कहें, लेकिन मजलूम हर कोई, हर किसी, हर जो हमारा हमारी पार्टी का नहीं है, हर कोई बुरा नहीं है। ये नहीं कि जो हमारा नहीं है, हमारे झंडे के नीचे नहीं है, उसको हर किसी को हम दुश्मन बना लें। अगली बात मेरे साथियों, अगली बात देखो मैं मुहाजिर हूं और आज ये शहर वापस हमारे हाथों में आ गया। लेकिन ऐ साथियों, ऐ मुहाजिर साथियों, जब हम नारे मुहाजिर जिए मुहाजिर लगाते हैं, सिर्फ नारे मुहाजिर जिए मुहाजिर लगाते हैं, तो तुम्हारे बराबर में कोई तुम्हारा पख्तून भाई खड़ा होता है इसी मजमे में, तुम्हारे बराबर में कोई तुम्हारा बलोच भाई खड़ा होता है इसी मजमे में, तुम्हारे बराबर में तुम्हारा कोई पंजाबी भाई खड़ा होता है इसी मजमे में, वो भी तुमसे नया नया जुड़ा है, उसको गले लगाओ, खुदा के वास्ते उसको गले लगाओ, वो सब कुछ छोड़कर दिल से तुम्हारे साथ जुड़ा है। इस कैंपेन में अगर मुहाजिरों को गोलियां लगी हैं, तो मेरे पख्तून साथियों को भी गोलियां लगी हैं, मेरे बंगाली साथियों को भी गोलियां लगी हैं। ये बंगालियों के रहनुमा बच्चू दीवान यहां मौजूद हैं। बंगाली कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया, पख्तून कम्युनिटी ने पूरा साथ दिया, शहर के पंजाबियों ने पूरा साथ दिया, शहर के सिंधियों ने पूरा साथ दिया, बलोचों ने साथ दिया। ऐ मेरे साथियों, अगर मुहाजिर का नारा लगा रहे हो तो जरा पख्तूनों का भी नारा लगा दो, जरा सिंधियों का भी नारा लगा दो, जरा बलोचों का भी नारा लगा दो, वरना ये कहां जाएंगे बेचारे, ये कहां जाएंगे बेचारे, ये कहां जाएंगे। और सबसे अच्छा नारा, नारा
मुत्तहिदा। नारे मुत्तहिदा, मुत्तहिदा ना मुत्तहिदा। हम गिलगित बल्तिस्तान से इलेक्शन लड़ते हैं। अरे तुम जानते हो आधे बलूचिस्तान से एमक्यूएम, आधे बलूचिस्तान में एमक्यूएम के झंडे लगे सता साथियों ने, आधे बलूचिस्तान में अताउल्ला कुर्द भाई ने, उनके साथियों ने पूरे बलूचिस्तान में एक उधम बचा के रखा हुआ था कैंपेन। तो साथियों हम तुम पाइनियर हो, इस पार्टी के मुहाजिर पाइनियर हैं। अपने हाथों को खोलो, अपने अपने साथियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, इन पंजाबियों को, इन बलोचों को, इन पख्तूनों को अपनी अपनी कमजोरी बनाने के बजाय अपनी ताकत बनाओ, इनको किसी और पार्टी में भेजने के बजाय अपने साथ मिलाओ। ये भी मजलूम है, इन पर भी जुल्म हुआ है, हमें सिंध के हारियों को भी आजाद कराना है। कराची इतना पावरफुल बनाओ, देखो जब जब यहां पर एक पार्टी की हुक्मरानी रही है इस शहर में पख्तूनों और मुहाजरों में दरमियान फसादात हुए हैं। ये वाली एमकेएम है पाकिस्तान, ये एमकेएम पाकिस्तान है जिसने पख्तूनों को ऐसे दोस्ती कर ली, ऐसे दोस्ती कर ली पख्तूनों के साथ। आज हुक्मरानी के बावजूद हमें कोई नहीं लड़ा सकता। अगर आज हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं, स्कूलों की बात कर रहे हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, तो आज हमें कोई नहीं लड़ा सकता, हमें आगे जाना है। मुझे इन नौजवानों को, इस एमकेएम को, इन नौजवानों को दुनिया भर में, इस ह्यूमन रिसोर्सेस को ह्यूमन कैपिटल में बदलकर हमें दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। आज हमारे पास 31 अरब डॉलर का रेमिटेंस आ रहा है, जो कि पाकिस्तान को मिलने वाला सबसे ज्यादा डॉलर अगर आ रहे हैं तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए आ रहे हैं। हम इतने लोग पढ़ाकर बाहर भेजना चाहते हैं जो 100 अरब डॉलर भेजे। जब 100 अरब डॉलर भेजेंगे तो फिर हमें IMF की, वर्ल्ड बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें अपने तालीमी इदारों की तालीम ऐसी करनी है जिसकी दुनिया भर में मांग हो, जहां पर बंदा बच्चा हमारा जाकर डॉलर में पैसे कमाए। अगर उसको अगर आज कोटा सिस्टम पे हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, अगर आज इंडस्ट्री में कराची में नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं। आज की दुनिया बैठकर रोने वाली दुनिया नहीं है, ग्लोबल विलेज है। आप वो तालीम हासिल करो जिसकी डिमांड है। आज इस शहर में 10-10 साल के बच्चे डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं, ये आईफोन, ये फोन से डॉलरों में पैसे कमा रहे हैं। हमें अपने नौजवानों को वो हुनर देना है जिसकी मांग पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया भर में है। हमारी आज की यूनिवर्सिटियां, हमारे आज के तालीमी इदारे बेरोजगार नौजवान प्रोड्यूस करने की इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां बन गई हैं जहां पे बेरोजगार नौजवान पैदा हुआ जा रहा है। हमने पूरे इस एमक्यूएम ने एक रिसर्च के जरिए पूरे इस तालीमी निजाम को चेंज करना है इंशाअल्लाह ताला। साथियों आखिरी मौका है, खुदा की कसम कोई वजारत की फिक्र नहीं है, कोई ओहदों की फिक्र नहीं है। आज भी हम नवाज शरीफ साहब से मिलकर आ रहे हैं, आज भी शहबाज शरीफ साहब से मिलकर आ रहे हैं, उनकी कैबिनेट से मिलकर आ रहे हैं। सारी गुफ्तगू में पहले लफ्ज से लेकर आखिर तक एक दफा भी मिनिस्ट्री और गवर्नरी की बात नहीं हुई, सिर्फ एक ही फिक्र थी हम क्या करें सब मिलकर कि पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से बाहर निकाल सके। खुदा की कसम क्या करें, ये सिर्फ इस चीज की फिक्र है। हुकूमत बनाने हुकूमत के मजे करने का कोई ख्वाब नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई गुफ्तगू नहीं है, सिर्फ एक बात की फिक्र है कि लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत मजबूर हैं, लोग बहुत 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 दुख में हैं, कैसे इनके मसाइल की परेशानियों को कम किया जाए। जब आप दिल से ये रुजू करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला आपको जराए बना कर देता है। आखिरी बात मैं पीपल्स पार्टी से बहुत मुअद्दबाना कहना चाहता हूं, पीपल्स पार्टी वालों अपने रवैये पे नजर सानी करो बराए मेहरबानी। क्या जरूरत है हम जाकर पंजाब में किसी पार्टी से बात करें? आपका अगर रवैया अच्छा होता, आप एक एक सीट के लिए सबके पास जा रहे हो। आज हमारे पास 17 सीटें हैं आज हमारे, लेकिन आपने हालात ऐसे कर लिए कि आप हमसे बात नहीं कर हमारे। आज हम पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी हैं। आज
पीपल्स पार्टी वालों, हम तुम्हारे मैंडेट की कदर करते हैं, लेकिन लेकिन दूसरे के भी मैंडेट को कदर करो। आप दिलों पे कब्जा करने के बजाय दिलों को जीतने की कोशिश करो। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए जब मैं कहता हूं कि 15 सालों से आपका वजीर आला है, उससे पूछो तो कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर में क्यों आता है। उससे पूछो तो, अपने वजीर आला से पूछो तो कि बिलावल हाउस में पानी टैंकर के जरिए कहां से आ रहा है। ये अफगानिस्तान से तो नहीं ला रहा टैंकर वाला चोरी करके, ये तुम्हारे शहर से इन नलकों का पानी चोरी करके तुम्हें बेच रहा है। जब पानी टैंकर में आ सकता है तो पानी हमारे नलकों में नहीं आ सकता क्यों, उनसे पूछो तो। ये सवाल करने पे आप मेरे लोग मारते हो, आप नाराज हो जाते हो, आप नाजेब अल्फाज अदा करते हो। मैं आपको भी कहता हूं आज इस फतह के मौके पर नजर सानी करो, खुदा के वास्ते अपनी पॉलिसी पर नजर सानी करो। आपको भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है अपनी जन्नत कमाने का, इतनी बड़ी ताकत है आपके पास, आप लोगों की खिदमत करके अपनी दुनिया भी ठीक कर सकते हो, आखिरत भी ठीक कर सकते हो। कितने पैसे चाहिए और कितने दिन जिंदा रहोगे, खुदा के वास्ते इन लोगों की फिक्र करो, खुदा के वास्ते इन लोगों की फिक्र करो। साथियों, बंद बना कर सो मत जाना। अभी हमने जिस तरह से इलेक्शन जीता है, हमें उसके बाद हमें कामयाबी भी चाहिए। इस शहर को दोबारा रात और दिन जाकर बनाना है। बोला तैयार हो, कराची तैयार है। और जमात इस्लामी वालों, जमातियों, यार बड़े मुनाफिक हो यार तुम, यार बड़े मुनाफिक हो भाई, बहुत आगे का काम हो तुम लोग यार, बड़े आगे का काम हो भाई, तुम तक नहीं पहुंच सकते जमातियों, तुम तक नहीं पहुंच सकते, ऐसे ऐसे आइटम करते हो। देखो भाई, दुश्मनों से गिला नहीं है, मुनाफिकों से सुला नहीं है, दुश्मनों से गिला नहीं है, दुश्मन दुश्मन है, मुनाफिकों से सुला नहीं है। बोलो बोलो जिना ग्राउंड वालों, क्या कहते हो? हाफिज नईम साहब, आप चूरन बेच रहे हो 3 साल से मैं सुन रहा हूं, तुम्हारी किस्मत में जुमे की नमाज के बाद सिर्फ एहतजाज ही लिख गया है, तुम्हारी किस्मत में तुम कुछ भी बन जाओ, पूरा पिंड भी मर जाए तू चौधरी नहीं बनेगा भाई, सारा पिंड मर जाए आप चौधरी नहीं बनते। आपकी किस्मत में चाहे बल्दियाती हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, आपकी किस्मत में एहतजाज ही लिख दिया गया है। तुम एहतजाज के लिए चुन लिए गए, लगे रहो मुन्ना भाई अपने खर्चे पे, खुश रहो, तुम एहतजाज करते रहो, तुम्हारी किस्मतों में एहतजाज ही लिख दिया गया हर बात पर तुम्हारी। तुम हमारी दी हुई खैरात पे भी पीपल्स पार्टी के आगे अपना मेयर नहीं बना सके। हमने कहा चलो भाई हम इलेक्शन से बॉयकॉट करते हैं, बन जाओ। अबे तुम जब भी क्या करें, पोलियो ज्यादा टांगों में कैसे टीके लगाएं तुम्हारे, तो एहतजाज तुम्हारी किस्मत है। अभी कराची में सिर्फ उन जगहों पे एहतजाज कर रहे हैं जहां से एमकेएम जीती, इनसे पूछो क्या पूरा पाकिस्तान तुम जीत गए हो, एक सीट नहीं मिली पूरे पाकिस्तान भर से, और कराची से सिर्फ एमपीए की 2 सीटें वो भी जाली तरीके से ली है, और हर एमकेएम के जीते हुए कैंडिडेट के सामने एहतजाज कर रहे हो। अबे पूरे पाकिस्तान में जाकर करो, वहां भी तुम्हें सीटें नहीं मिल रही है, पूरे पाकिस्तान इतने अरबों रुपए खर्च करके खालों के पैसे हाफिज साहब की तस्वीरों पर लगाकर, हर औरतों के खाने पकाने के इश्तिहार में भी जो है वो बंदा मौजूद है भाई, जमात अक्षय कुमार के गानों के साथ, जमात इस्लामी न जमाती रही न इस्लामी रहे, अक्षय कुमार के गाने आइटम सॉन्ग के साथ कैटवॉक कर रहे, बताओ यार है कौन से बड़ा मुनाफिक, है कौन से बड़ा मुनाफिक। तो जमातियों क्या करें, इनका क्या करें, क्या करें, क्या करें, इग्नोर करें यार, तुम लोग 2-4-10 लोग चले जाना जलसे में यार, बेचारे हर चौक पे बैठे हुए हैं, जाके पानी वानी पूछना, जाके पानी वानी पूछना, और बोलना उठना नहीं, बैठे रहो, यही बैठे रहो, उठने नहीं देना, बोला एहतजाज करते रहो, बैठे रहो। कराची वालों खुश रहो यार, खुश रहो, आबाद रहो,
आबाद रहो, खुश रहो, अल्लाह बहुत सुखी रखे, अल्लाह ताला बहुत काम ले, हम ऐसा नमूना पेश करें जो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में हमें मॉडल के तौर पर पेश किया जाए, तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त मजलूमों का, गरीबों का इंशाल्लाह ताला। तो तैयार हो कराची वालो, आई लव यू यार। आखिर में गुजारिश करूंगा गवर्नर सिंह जनाब कामरान टेसोरी भाई से के वो आए और इजारे ख्याल फरमाए। कामरान टेसोरी भाई, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے بھائی، بیٹا سامنے سے آ جائے، میں سب سے پہلے اگر خاموشی ہوگی تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور بڑی غور طلب بات ہے، क्योंकि आप सबको पता है कि मैं यहां अपनी कोई बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपसे दो बातें पूछूंगा और वो ये मैं पूछूंगा कि आज इस पंडाल में जितने लोग मौजूद हैं वो हाथ उठाकर बताएं कितने हैं जो बुलेट प्रूफ गाड़ी में आए हैं, कितने हैं जो लैंड क्रूजर में आए हैं, कितने हैं जो करोला गाड़ी में आए हैं। यहां वाले आए हैं? नहीं, यहां वाले आए हैं? आए हैं? अच्छा, जितने हैं वो हाथ जरूर उठाएं। क्या आप सब जो इस शहरे कराची के बाद भी ये तीनों चीजें आप सबको, तो फिर इस मैंडेट का कोई ना काम है और ना ही इससे कोई हमें फायदा पहुंचेगा। मैं ये समझता हूं कि आज मुझे इस यौम तशक्कुर की तकरीब में आने से कई लोगों ने मना किया, उन्होंने कहा कि आप तो गवर्नर हैं, आप क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा भाई यौम तशक्कुर की तकरीब में अगर मुझे जमात इस्लामी बुलाएगी मैं उसमें भी जाऊंगा, अगर वो यौम तशक्कुर करें, अगर पीपल्स पार्टी बुलाएगी तो मैं उसमें भी चला जाऊंगा। लेकिन क्योंकि एमक्यूएम के कारकुनों ने और मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। मैं यहां पर मौजूद तमाम ही लोगों को गवर्नर हाउस आने की दावत देता हूं। आप गवर्नर हाउस में मेहमाने खुसूसी के तौर पर मैं आप सबको दावत देता हूं। गवर्नर हाउस के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। जिस तरह अब अगर किसी ने डॉलर कमाने हैं, महीने में डॉलर कमाने हैं, तो वो आईटी की क्लासेस में गवर्नर हाउस आ जाए। अगर अब नौकरियों का, बल्कि मैं ये कहूं कि अगर मोटरसाइकिल किसी की चोरी हो गई है तो वो भी एफआईआर लेकर गवर्नर हाउस आ जाए तो उसे भी मायूसी नहीं होगी। जिना ग्राउंड को भर देने वाले एमक्यूएम के कारकुनों, हमारा निशान पतंग, जिस पतंग पर
हम ये इंतखाबात जो हमसे छीने जाते थे वो हमने वापस अपना हक लेकर वापस जिना ग्राउंड में खड़े हैं। और हमने एक नारा लगाया बहुत जो आज से कोई 20-22 साल पहले बनाया था 2002 के इंतखाबात में। अगर वो नारे का जवाब याद है तो जिना ग्राउंड लगाए वो नारा, हो आसमां का जो भी रंग, हो आसमां का जो भी रंग, करेगी दुश्मनों को दंग, जमातियों का हुक्का बंद। पर हरगिज न नाचेगी न नाची है, इसी बाइस तो कहते हैं नाची है, न रबते दिल रुबाई है, न दिलदारी का रिश्ता है, न बंधन आशनाई का, न कुछ यारी का रिश्ता है, खुद की दारी का रिश्ता है, यह रिश्ता फकत दादारी का रिश्ता है, कोई मामा मामी कोई चाचा ना चाची है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची है। इस्तकबाल कीजिए कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कराची अस्सलाम अलैकुम, शुक्रिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रौनकें लौटाने का वादा पूरा हुआ। यहां पर MQM के अजीम तरीन अजीज तरीन कारकुनों, तुम्हें सलाम हो। तुमने कतरा कतरा करिया करिया गोशा गोशा कूचा कूचा कराची कराची को वापस कर दिया। करने की बाकायदा तकरीब है, हजारों साथी शहीद हुए इस इंतखाबात में भी, हमारे कई साथी शहीद हुए हैं, रंगीन किया है इस इंतखाबात में, तो उन्हें कामयाबी मिली है। मैं फराज शहीद समेत MQM के तमाम कारकुनों के नाम ये जीत करता हूं। अधिक तहरीक के साथियों, कौमें जब आगे की जानिब बढ़ती हैं, मंजिल तक पहुंच रही होती हैं, तो पलट पलट के ये जरूर देखती हैं कि वो कौन थे कि जिनके खून से, जिन्होंने अपनी खून से लहू की अशर्फियां लुटाकर, जिन्होंने अपने लहू के चिराग दिखा जलाकर रास्ते दिखाए कि हमें तो इस पे यकीन, इस पर एतबाद है बस, कि लहू का बहना कभी रायगा नहीं जाता। जो आंख आज बही है वो सैले नूर सिफत तीर गिए शब के तमाम रंग उड़ा देगी, जो हाथ आज कटे हैं वो नकीबे जहां होंगे, जो सर जमीन पे गिरेंगे वो आसमां होंगे। और आज शुक्र का दिन है,
खुशी के इजहार का दिन है। और मेरे साथियों याद रहे 2022 2021 एमक्यूएम के कारकुनों से वादा किया था कि 2023 आपका और हमारा होगा। 2023 आज जिना ग्राउंड गवा रहे जिना। हर तरफ हर रास्ते जिना ग्राउंड के जानिब आज कराची के जा रहे हैं। जिना किया एमक्यूएम को मुनज्जम किया एमक्यूएम को मुतहरिक किया एक पूरी एमक्यूएम महाजरों को और हक परस्तों को लौटा दिया। अल्लाह का शुक्र है। फिर दूसरा काम चौथाई कराची के बराबर 53 यूसियां वापस कराई। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो 75 साल से नहीं हुआ था हमने कराची के 75 लाख अफराद को बगैर हाथ में पत्थर थामे बगैर दुकान बंद कराए नफरत अंगेज नारे लगाए बगैर सब्र से इस्तकामत से दलील से अपने 75 लाख कराची के नफूस को पाकिस्तान की आबादी के अकाउंट में जमा करा दिया है। अल्लाह का शुक्र है। 3 दिन पहले जबर को साजिशों को मंसूबा बंदियों को नफरत को शिकस्त हुई है। फतह कराची की है कराची की आवाम की है। और ये नहीं साजिशी लोगों ने जबान की बुनियाद पर नफरत के खातिर जो सरहदें कराची में खींची थी वो भी मिटा दी है। आज सोहराब गोट कराची के नुमाइंदे के साथ खड़ा है। आज अपने मकसद के खातिर जबान की बुनियाद पर किमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम का नुमाइंदा किमाड़ी से भी जीता है। और हमने नफरतों की ये दीवारें गिरानी शुरू कर दी हैं। और जो लिंग्विस्टिक फॉल्ट लाइन थी कराची की खत्म होनी शुरू कर दी हैं इंशाअल्लाह ताला। अब याद रखिएगा ये बात भी कई बार कहा है कि ये 10 साल का आपका सुनहरी दौर का आगाज है। इसको संभालना है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों एमक्यूएम के कारकुनों कराची की आवाम आपको एक दूसरे की ताकत बनना है। आपका मुकाबला अपने आप से नहीं आपसे बड़े दुश्मन से है। छीन के लेना है तो आपस की छीना झपटी बंद करो। एक दूसरे के खिलाफ नहीं एक दूसरे के साथ बड़ी एहसास जिम्मेदारी के साथ बड़े यकीन के साथ बड़े एतमाद के साथ ये 75 साल ये 75 साल गुजर चुके हैं। आने वाले 10 साल आपके हैं। पता लगे दुनिया को साबित कराओ जो बना सकते हैं वही चला सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारे अजदाद ने बनाया था और उनके बेटे पाकिस्तान चला के दिखाएंगे और सबको साथ लेके चलेंगे कि हयात
लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आज हमारे साथ यहां भी और यहां भी पख्तून भी बैठे हैं, बलोच भी मौजूद हैं, सिंधी भाई भी मौजूद हैं, पंजाबी यहां मौजूद हैं, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तानी, पूरा पाकिस्तान हमने जमा कर रखा है। और इंशाअल्लाह ताला आपने हमने मौका दिया, एमक्यूएम के अलावा कोई और हल नहीं है। किसी साहब को यहां से जबरदस्ती 2018 में एमक्यूएम के मैंडेट को चुरा कर, एमक्यूएम के मैंडेट को चुरा कर किसी को 14 सीटें दिलवाई गई थी। आप उनसे जाके पूछिएगा इन 14 सीटों पे तुम पानी का एक कतरा, तो क्या पानी के कतरे के लिए तुमने एक आवाज भी कराची वालों के लिए बुलंद नहीं की? 14 नशिस्तों वालों को इमरान खान साहब ने शहर को जिसका सबसे बड़ा मैंडेट चुराया था एक रात भी नहीं दी। और उसके अलावा जमात इस्लामी को तो मोहब्बत के इजहार के लिए सबने बात की है, आइए हम उनके लिए दुआ का, हम सबको कहा था कि हमारे यौम तशक्कुर में आए, हम जमात इस्लामी के यौम तकब्बुर में भी जाने के लिए तैयार हैं के दुआ कीजिए, इनके लिए भी दुआ कीजिए। बेचारे धूप में बैठेंगे, इनको कि जिनका दीन पैरवी किस्ब रिया है उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले, और जिनके सर मुंतजर तेग जफा है उनको दस्त कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। दोस्तों और भाइयों, शनाख्त दिलाई है इस तंजीम ने आपकी और मेरी कौम को, पहचान दिलवाई है, एतमाद दिया है। पांच साल में गासिबों को कराची को लौटाना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने मुस्तफा भाई भी हैं, हम के शुक्र का है, शुक्र का मुकाम है। अब नीचे रखिएगा, अब एमक्यूएम के किसी कारकुन को आज के दिन अपने हाथ में पत्थर डंडा हथियार रखने की जरूरत नहीं है। पाबंदी है, कोई हवाई फायर एमक्यूएम का नजरियाती कारकुन कर ही नहीं सकता है। जिसने किया उसकी रुकनियत खत्म कर दी जाएगी आइंदा। हमें कोई जरूरत नहीं है, पहले ही कहते रहे हैं कि ताकत हमारी तहजीब नहीं है, ताकत हमारी तहजीब नहीं है, हमारी तहजीब हमारी ताकत है। और इसी ताकत के जरिए इंशाअल्लाह ताला, इसी तहम्मुल के जरिए, इसी तमीज के जरिए, इसी दलील के जरिए एक एक मुकदमा एमक्यूएम कौम का लड़ेगी और कामयाब होगी। आप सब आज शुक्र अदा करने और जश्न मनाने आए हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बस इंशाअल्लाह ताला हम वो लोग हैं कि जिनकी ठोकरों पर
इख्तदार होता है। आपकी बात नहीं सुनी तो हम ऐवानों को भी ठोकर मार के फिर बाहर निकल आएंगे, फिर अपनी अवाम के पास जाएंगे, फिर बात करेंगे, फिर खड़े होंगे। ऐवानों ने, अदालतों ने, आईन ने, कानून ने इस दफा हक नहीं दिया तो अगर हमें वोट के जरिए कोई मजबूर ना करे इसके लिए। आज का पाकिस्तान कोई देखे तो कानून मफलूज, आईन माजूर और इस टूटे फूटे निजाम कीमिया पाकिस्तान को दे चुके हैं। हम कराची पूरे पाकिस्तान में एक एक शख्स के पास इख्तदार और जमहूरियत के सम्राट पहुंचाना चाहते हैं, लेके जा रहे हैं। बड़ा नाजुक वक्त है, ना गवाओ नावे के नीम कश कि दिले रेजा रेजा गवा दिया। जो संग है उनको समेट लो कि तले दाग दाग लुटा दिया। सफे दुश्मना को खबर करो, सफे दुश्मना को खबर करो, मेरे दोस्तों को नवीद हो जो रखते थे कर्ज जान पर, आज कर्ज चुका दिया। आज आपका जिना ग्राउंड भी आपको वापस कर रहे हैं। मेरी माओ बहनों, दोस्तों भाइयों, अजीज तहरीकी साथियों, इस शहर को आबाद रखिएगा। सबसे पहले हम जिस शहर के वाहिद नुमाइंदा जमात बन के उभरे हैं, अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस जमहूरियत के सम्राट अपने लोगों के साथ बांटें। आपसे वादा, आपके बेटे आपके पास आएंगे, आपके साथ मिलके फैसला करेंगे। आइए आज की शब खुदा के शुक्र, खुदा के जिक्र के साथ हमने शुरू की है। अब खुशी का इजहार का वक्त है। और एक बार बार एक बात कहता था, वो बात अब हमारे पास वो यकीन बन के उभर रही है कि सुनो कि राहें पुकारती हैं, चलो कि मंजिल बुला रही है। गुजर गया तीर गई का मौसम, फसीले शब भी बिखर गई है। जो रात छाई थी रास्तों पर वो अपनी मौत आप मर गई है। छजर पे दिल के जो जर्दियां थी वो सब्ज पत्तों में ढल रही हैं। बिखेरे रखती कि जो उदासी, रुतें वो सारी बदल रही हैं। खजां भी देखो कि जा रही है, चलो कि मंजिल बुला रही है। यहां पे मौजूद मेरी माओ बहनों बुजुर्गों, ये मैंने पहले अर्ज किया था, ये एमक्यूएम का प्रोग्राम है। यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? माओ बहन बेटियों की होती है। तो सब साथी जितनी भी हमारी फैमिलीज आई हैं उनको एहतराम कीजिएगा। इस तरफ में जो लोग खड़े हैं, तुम लोग जरा पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो फैमिली से। शाबाश शाबाश। मैं बच्चिया साथी को राबता कमेटी के अलावा कहूंगा स्टेज से नीचे उतरे, जश्न मनाने का टाइम है। मैं तमाम फनकारों को कह रहा हूं और आप ऊपर आए, ये जब तक ऊपर आते हैं जरा तराना चलाओ और झंडे लहराओ, शाबाश पाकिस्तान का, शाबाश। टूटे जो तेरे पैर की जंजीर तो क्या हो, मिल जाए तुझे ख्वाब की ताबीर तो क्या हो।
13 अगस्त 1947। वैरायटी प्रोग्राम का आगाज किया जाए, मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, दोस्तों से सबसे सबसे शाबाश, जल्दी से ताकि प्रोग्राम शुरू किया जाए। चले शाबाश शाबाश शाबाश, अली तुम लोग भी आ गए हो जो, शाबाश, ये जगह खाली करे, शाबाश। एक ये बार से आतिशबाजी का इंतजाम है, 12 बजे जब तक एक तराना बजा दो, जब तक वो इंतजाम कर रहे हैं। शाबाश, सब खाली करते हैं स्टेज, शाबाश।